लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी पटना में विशेष तैयारी की गई है। अभी हम जेपी सेतु के पास है और यहाँ पे जो तस्वीर दिखाएंगे आपको कि घाटों को किस तरीके से जो सुरक्षा के दृष्टि से बैरिकेटिंग की गई है कि जो गंगा का जो जलस्तर बढ़ा हुआ है उसको देखते हुए कि उस पार जो लोग हों जाके न जाए। इसके साथ ही साथ जो लोग जो प्रवैतिन लोग आएंगे और चाहे जो लोग भी आम लोग आएंगे उनको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो उसको लेकर भी विशेष ख्याल की गई है। इसके साथ साथ जो लोग वॉशरूम के लिए जो प्रवैतिन को लेकर उसको लेकर भी नगर निगम की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। देख रहे होंगे कि जो मिस्त्री लोग हैं जो बना रहे हैं ये लोग और इनका जो अंतिम रूप है नहाए खाए तक जो अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कब से आप लोग काम में लगे हुए हैं? काम कल ले के कल से हाँ कब तक कंप्लीट करना है? कई तारीख का हो चलिए खरना तक जो है कंप्लीट कर लिया। कब से आप लोग काम में यहाँ पे लगे हुए हैं? हम लगे हैं परसों से। अच्छा आई खरना ले फाइनल कर देंगे। कितना यहाँ पे बनाने का आप लोग को जिम्मेदारी? बनाने का यहाँ मिला है 14 या 14 32 करीब, कम से कम 64 हुआ है। अच्छा 64 हाँ। अच्छा इसका फिर गड्ढा का कितना फीट तक गड्ढा आप लोग का? गड्ढा 3 फीट है। 3 फीट 3 या 2 है, 3 चौड़ाई या 3 गहराई। अच्छा कब तक ये आपका खरना तक कंप्लीट हो जाएगा? खरना का एकदम लगभग 4 बजे के आसपास ले। नगर निगम की ओर से की जा रही है? ना नगर निगम के नहीं है, नगर विकास सभा। हाँ नगर निगम विकास सभा के द्वारा की जा रही जो नितिन नवीन के विभाग के द्वार से यह किया जा रहा है कि जो प्रवैतिन लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और इस घाट पर जो कहा जाए तो विशेष तैयारियां की गई है क्योंकि इस घाट जो है वीआईपी घाट है और एक मायने में घाट भी खतरनाक घाट है क्योंकि जो कई इस घाट में देख रहे होंगे इधर की लाल का जो कपड़ा भी बांध दिया गया है क्योंकि जो उधर जो जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऐसे में लेकर उधर लोग प्रवैतिन लोग ना जा पाए और लोग और स्नान वगैरह ना कर पाए इसको लेकर वहाँ पे रेड लाल का जो कपड़ा है लाल का कपड़ा लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो लोग हैं लोगों के लिए विशेष तैयारी की गई है, ये पटना नगर निगम और नगर विकास आवास विभाग की ओर से इस तरीके की व्यवस्था की गई है और लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना पहुंचे इसको लेकर विशेष ख्याल रखा गया है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर विशेष तैयारी की गई है। अभी हम राजधानी पटना के उस घाट के पास है जिस घाट को खतरनाक घोषित किया गया है। साथ ही साथ इस घाट पे जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ चुकी है। जेपी सेतु घाट के पास है और ये आपको तस्वीर दिखाएंगे, देख रहे होंगे कि गंगा का जो जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और ऐसे में जो प्रवैतिन लोग जो अर्घ देने के लिए आएंगे उनको लेकर विशेष तैयारी की गई है और जो बांस का जो बैरिकेटिंग वहाँ पर लगाया गया कि उस पार नहीं जा सके लोग। इसके साथ ही साथ यहाँ पे विशेष तैयारी की गई नगर निगम की ओर से और उसके साथ साथ जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है और जो घाट का अब अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। जो तस्वीरों देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विशेष तैयारी की गई है और जो घाटों का हम आपको जो दिखाएंगे जो बांस बल्ली से जो बांधा गया है उसमें आप देख सकते हैं कि कई जो कलर है कलर का जो झंडा जो लगाया गया है। इसके साथ साथ उसमें यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि इससे ऊपर उस साइड नहीं जाएं क्योंकि जो गंगा का जो जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। हम आगे और अभी आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ की गई है। आपको जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलता है वहाँ पे जो फैल है वो फैल कर दिया गया है लेकिन जो कहाँ जहाँ पे जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है वहाँ पे रेड लाल का कपड़ा लगा दिया गया है कि उसको खतरनाक घोषित किया गया है। यहाँ पे लोग प्रवैतिन लोग हैं अर्घ दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जो तस्वीर है वो तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ विशेष तैयारी की गई यहाँ पे जो बात कर लिया जाए तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद निरीक्षण करने के लिए पहुँचते हैं और इसके साथ साथ जो राजधानी के अन्य इलाकों के भी लोग यहाँ पे अर्घ देने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पे खासकर विशेष तैयारी इसलिए की गई है क्योंकि जो इस इलाका ये जो जेपी सेतु से उधर से भी सोनपुर के भी लोग यहाँ पे अर्घ देने के लिए पहुँचते हैं और ऐसे में यहाँ पे मेडिकल के टीम के साथ तमाम जो जिला प्रशासन के भी तैनाती रहेगी जिस दिन लोग अर्घ देने के लिए आएंगे। और इसके साथ साथ जो नगर निगम हो और जिला प्रशासन अभी से पूरी तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ को जो कहा जाए तो अंतिम रूप देने की कोशिश की जाए। लाइटिंग का व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ
जो वॉशरूम वगैरह की भी व्यवस्था की गई, उधर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, उधर आप देख सकते हैं कि जो वॉशरूम को लेकर भी विशेष बनाया गया है। इसके साथ ही साथ प्रवर्तित लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो उसको देखते हुए जो जिला प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। पटना में कुल 80 लगभग घाट बनाए गए हैं, 80 घाट पर इसी तरीके से तैयारियाँ की गई है। न्यूज वास्को के लिए पटना से विवेक रंजन। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।